ये पार्ट बी का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंट ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 आर डिविजिबल बाय 4। तो 1 to 20 के बीच जो नंबर्स हैं जो डिविजिबल बाय 4 हैं वो 4, 8, 12, 16, 20, यानी आप 4 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में देख लीजिए, 4 into 1 = 4, 4 into 2 = 8, 4 into 3 = 12, 4 into 4 = 16, 4 into 5 = 20, 4 into 6 = 24 है, उसे नहीं लेना है। तो ये 5 नंबर्स हैं जो डिविजिबल बाय 4 हैं विदिन 1 to 20। तो टोटल नंबर्स, टोटल नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 इक्वल टू 20 नंबर्स नंबर्स डिविजिबल बाय 4 फ्रॉम 1 to 20 इक्वल टू 5। तो परसेंटेज ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 4 फ्रॉम 1 to 20 इक्वल टू 5 by 20 into 100 इक्वल टू 21 या 20, 25 या 100। तो 5 into 5 यानी कि 25%। देयरफॉर 25% ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 आर डिविजिबल बाय 4। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए चाइल्ड हैड सर्टेन अमाउंट ऑफ चॉकलेट्स, ही एट 35% ऑफ द चॉकलेट्स बट स्टिल हैज 13 चॉकलेट्स, व्हाट इज द नंबर ऑफ चॉकलेट द चाइल्ड ओरिजिनली हैड। तो एक बच्चे के पास चॉकलेट्स है, उसमें से वो 35% चॉकलेट खा लिया और जो रिमेनिंग है तो 100% माइनस 35% हमारा 65% है। तो 65% ऑफ टोटल चॉकलेट्स जो है वो हमारा 13 है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितना चॉकलेट बच्चे के पास स्टार्टिंग में था। लेट द नंबर ऑफ चॉकलेट्स the child originally had be x, so he ate 35% of total chocolates, yeah, 35% of total chocolates equal to 35% of x, remaining percentage of chocolates equal to 100% minus 35% of x equal to 65% of x, so 65% of x equal to 13, क्योंकि जो चॉकलेट बचे हैं यानी 65% जो बचे हैं चॉकलेट्स उसका टोटल हमारा 13 है। तो यहाँ पर हम लोग सो नहीं लिखेंगे, जस्ट ही से स्टार्ट करेंगे। तो 65% ऑफ x इक्वल टू 13 इम्प्लाइज 65/100 x इक्वल टू 13 इम्प्लाइज x इक्वल टू 100 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 है, उसके साथ 100 हो जाएगा, 65 x के साथ मल्टीप्लाई हो गया है, ऑपोजिट साइड में जब जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इम्प्लाइज x इक्वल टू 13 वन या 13, 13 5 जो 65, 5 वन या 5, 5 20 जो 100,
इक्वल टू 20. तो टोटल चॉकलेट्स हमारे 20 हैं, देयरफॉर द चाइल्ड ओरिजिनली हैड 20 चॉकलेट्स इन द बिगनिंग. ऐसे लिखेंगे हम लोग.